हाय फ्रेंड्स, अब मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आज आपको बनाने बताऊंगी एक फ्लावर, छोटा सा फूल जो बहुत ही खूबसूरत और देखने में सुंदर और कहीं भी इसको यूजफुल फूल है, जो यूज आप कर सकती हैं किसी भी चीज़ में। तो मैं शुरू करती हूँ। उसके लिए मैं 7 नंबर का क्रोशिया और ये 3 प्लाई हूँ का इस्तेमाल करूंगी। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए उसके लिए मैं 5 लूंगी। लेने के बाद इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करूंगी। अब इसको मैं सिंगल क्रोशिया में 12 बार बनाऊंगी। ये 2, ये 3, ये 4, दस, 11 और ये 12। अब मैं ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। करने के बाद मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद मैं इसको एक छोटे एक में ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे कर देना है। फिर 3 चैन लूँगी, 2, 3, इसमें ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। एक छोड़ूंगी, दूसरे में ज्वाइन कर दूंगी। देखिए ऐसे करके मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पहला राउंड रेडी हो गया, जो 3 बार आपको करके दिखाए थे और ये 3 बार हम किए। तो दूसरा सेकंड राउंड आप करेंगे तो देखिए कैसे होगा। सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपसे भूल हुआ एक थी। ऐसे डबल क्रोशिया होगा। ऐसे लिया और ऐसे एक बार हो गया। अब इसलिए करूँगी
सिंगल क्रोशिया से डिज़ाइन करूँगी। फिर इसको मैं सिंगल क्रोशिया से डिज़ाइन करूँगी और इसमें फिर डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे होता है डबल क्रोशिया, यह है और ऐसे की और ये ऐसे निकालें और इसको एक बार की और ये दो बार की, इसको कहते हैं डबल क्रोशिया। तो इसको फिर डबल क्रोशिया करना है। देखिए ये मैंने करके दिखाई और ये दिखा, मैं पूरा यहाँ लाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पत्ता रेडी हो गया है। देखिए ये फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड और ये थर्ड राउंड था। तो ये थर्ड राउंड मेरा रेडी हो गया। तो ये अब इसको मैं स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ बंद कर दूंगी, सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया के फिर अभी इसके बाद मैं तीन चैन लेकर यहाँ पे ऐसे करके, देखिए ऐसे लिए और ऐसे उस स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। धनिया कर ऐसे में कर दी। अब यहाँ मैंने तीन चैन लेना है, तीन चैन हो गया, नहीं पाँच चैन लेंगे, पाँच चैन ली हो गया पाँच चैन। और मैं यहाँ इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, यहाँ पे स्लिप स्टिच। ओके फिर मैं तीन चैन लूँगी, तीन चैन जो लूँगी मैं इसको यहीं पे ऐसे कर दूँगी, तीन चैन लूँगी ऐसे ली और स्लिप स्टिच कर दूँ। ठीक है फिर पाँच चैन लूँगी, एक दो तीन चार पाँच। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके इधर एक बार पाँच, एक बार तीन चैन लेना है और एक बार पाँच चैन लेकर के, पाँच चैन ले लीजिए, सात चैन ले लीजिए इसको लेकर के और इसको ये करना है। ठीक है बाद में दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से, मैं सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद तीन चैन लूँगी, ये मेरा हुआ तीन चैन। अब इस तीन चैन को मैं इस जगह में ऐसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो ये हो गया, इसके बाद मैंने सात चैन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, सात चैन लेना है। इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया ना, ये बड़ा सा चैन। फिर मेरे को तीन पीस, फिर मैंने तीन पीस ले चैन लेना, तीन पीस, हाँ तीन चैन लिया मैंने। तीन चैन लेने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ पे ऐसे। आप स्लिप स्टिच कर लो, सिंगल क्रोशिया कर लो, जैसे आपको सुविधा हो, ये अपने
हर एक हिसाब कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नहीं, और मैं इसको इसमें तो मैं पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा 6 पत्ती है, तो नीचे भी मैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तो बना लिए। अब उसको मैं चौथा मैं करके दिखाती हूँ कैसे कर रहे हैं। पहले मैं करूँगी सिंगल क्रोशिया। क्रोशिया देखिए, ये हुआ सिंगल, इसको मैं ऐसे किए तो 1, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया यहाँ 3 बार करूँगी, 1, 2, 3 दो चैन के बाद फिर 3 बार यहाँ ट्रिपल क्रोशिया ही करूँगी, सेम दोहराना है। देखिए दो डबल क्रोशिया लिखी है, 1 बार 2 बार लपेट लिया, अब डबल क्रोशिया। ये था ट्रिपल क्रोशिया, अब है डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गया डबल क्रोशिया, फिर 1 बार सब को ऐसे, फिर सिंगल, फिर इसमें हम करके छोड़ देते हैं, इसमें एक सिंगल। देखिए मेरा पत्ता कैसे आया है, पत्ता आ गया। तो मैं एक और करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक पत्ता मेरा रेडी हो गया और मैं दूसरा पत्ता में शुरू कर दिया करती हूँ। देखिए फर्स्ट 1 बार इसको पूरा निकालना है, फिर डबल क्रोशिया करना है, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 1, 2, 3 दो चैन लेके फिर ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 1, 2, 3 अब डबल क्रोशेट, ये ट्रिपल क्रोशेट था, अब ये है डबल क्रोशेट। देखिए उसके बाद 1 बार ऐसे गिराऊंगी, फिर ऐसे सिंगल क्रोशेट, फिर इसमें लाके मैं दिखाती हूँ आपको।
देखिए मेरा दो पत्ती रेडी हुई है। देखिए ये इस प्रकार कुछ लुक जाएगा। मैं आगे आगे पूरा मैं करके देखिए मैं ऐसे पूरा करके यहाँ आके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मेरा देखिए ये फर्स्ट राउंड था, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, और ये था एक एक गया था फोर्थ राउंड, अब यह है फाइव राउंड। तो फाइव राउंड भी पूरा हो गया, अब ये सिक्स राउंड मैं शुरू करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो पत्ता करके मैंने आपको दिखाई थी और मैं बाकी सब अभी ये दिखा दी आपको। आप देखिए क्या करना है, सब में हमको डबल क्रोशे करते जाना है लाइन बाई लाइन। करते हुए कि चार चैन लीजिए, चार देखिए मैंने चार चैन लिए, चार चैन के बाद मैंने इसमें दिया, इसमें मुझे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ लेंगे, फिर इसमें सिंगल डबल करते हुए इसमें इसमें आ जाना है, इसमें दूसरे पत्ते में, फिर दूसरे पत्ते में ऐसे करते करते एक एक बार ये ऐसे करते हुए चले आना है। अभी देखिए दो बार लेना है और चार सेन लेंगे, एक दो तीन चार, फिर इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करूँगी, इसमें ऐसे ज्वाइन स्लिप स्टिच से करूँगी। ओके हो गया, फिर इसमें एक बार दो बार मैं दिखाती हूँ जो मैं कर लूँ। ये मैं फिफ्थ राउंड करके दिखाई, देखिए मैं अब ये दो पत्ता दिखा दी और मैं पूरा यहाँ आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये पूरा ये लास्ट छठा पत्ती रेडी हो गया है और मैं यहाँ इसको कट करूंगी। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इस सूते को कहीं पीछे में एडजस्ट कर देना है ऐसे उठाते हुए। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा फ्लावर रेडी हो गया है और इसमें मैं एक मोती रख दी, तो देखिए ऐसे बन के मेरा फ्लावर रेडी हुआ और मैं इसका एक जोड़ी और बना के रखी हूँ। सो देखिए तो मेरा फ्लावर कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
आप मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।